प्रथम तहलका न्यूज। प्रदर्शन की ये तस्वीरें फतेहाबाद की है, जहां आज यानी गुरुवार को भट्टू मंडी में स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल की लच्चर व्यवस्था और स्टॉक की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला। इन सब ने मिलकर अस्पताल के लिए पर्याप्त सुविधाएं दिलाने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही डॉक्टरी सुविधाओं का टोटा है। हॉस्पिटल की जैसी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को देखते हुए यहाँ जितने डॉक्टर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है। यहाँ जो एक्सरे की मशीन नहीं है, यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, यहाँ इमरजेंसी के अंदर कोई मरीज आ जाए तो यहाँ 24 घंटे ड्यूटी देने वाला कोई भी एक डॉक्टर नहीं है। या रात को डिलीवरी या दिन में कोई भी डिलीवरी केस आ जाता है तो ये उसको रेफर कर देते हैं या उसका कोई अटेंडेंस नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ जितने भी डॉक्टरों की कमी है उन डॉक्टरों की भर्ती की जाए। लोगों की माने तो भट्टू मंडी जैसे छोटे कस्बों के सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसे बड़ी सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की ठोकरें खानी पड़ती है, जो कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि इनके जेब पर भारी पड़ता है। ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त दवाइयों की पर्याप्त स्टॉक और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें और मतलब जो आवश्यक जो दवाइयां हैं वो मुफ्त दी जाए और डिलीवरी के लिए ना जो डॉक्टर है वो लेडी डॉक्टर है या तुरंत ना भर्ती किया जाए। इस बात के लिए आज हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को ये मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम दिया है और हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये स्टाफ पूरा नहीं करते, दवाइयां पूरी नहीं करते और ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें यहाँ नहीं लाते तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। लोगों का ये प्रदर्शन यूं ही नाजायज नहीं है क्योंकि डॉक्टरी सुविधा तो हर नागरिक का अधिकार है। खास तौर पर आज के कोरोना जैसे संकट के माहौल में प्रशासन अगर समय रहते लोगों को इस तरह की सुविधा नहीं दिलवा सकता तो फिर ऐसे प्रशासन का क्या फायदा। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।